नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पर्पल छोटी बड़ी की खबरें, यूट्यूब की प्रेम बात पे एक रिपोर्ट आपको बताते चलें कि 4 जून 2019 की देर रात थाना थानगांव इलाके में एक महिला को, मायके आई महिला को दूसरे दबंगों ने काफ़ी गंभीर हालत में हमला कर बेहोश कर दिया, जिससे कि एक मानवता की मिसाल कायम करते हुए सूचना पर पहुंचे स्थानीय थाना थानगांव के प्रभारी संजीव कुमार कुशवाहा जी, जो कि उसको अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव कर आनंद थाना में रेवसा से चिल्लाकर भर्ती कराया है और दबंगों पर शिकंजा कसने की बात कही है और संबंधित ठिकानों पर उनकी तलाश जारी कर दी है। एक मानवीय चेहरा यहाँ पे संजीव कुमार कुशवाहा थाना प्रभारी थान गांव का देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिन वो कहीं एक्सीडेंटल बेसहारा लोगों को या कहीं किसी की हमेशा मदद करते हुए नज़र आते हैं और रेवसा सीएचसी में पहुँचाने का एक काम करते हैं। काफ़ी उनकी क्षेत्र में एक सराहनीय कार्यशैली की सराहना की जा रही है और अभी भी डॉक्टर अनु पांडे ने खुद बताया, रेवसा सीएचसी में उपस्थित थे जो, कि वो संजीव कुशवाहा थाना प्रभारी खुद इस महिला को बेहोशी हालत में लेके आए हैं और उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, ठीक नहीं है। उसको रिफ़र किया जा रहा है थोड़ा प्राथमिक उपचार करने के बाद, क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रही है, कुछ बताने में भी असमर्थ है। और जहाँ तक यह मामला बताया जा रहा है कि थाना थान गाँव के ग्राम जगदीशपुर हजरिया का है और विवाद बच्चों के विवाद में ये विवाद उपजा, जिसको लेकर के इस महिला को पर हमला किया गया है। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे साथ रेवसा सीएचसी में उपस्थित ड्यूटी पे डॉक्टर अनु पांडे तैनात हैं, उपस्थित हैं, क्योंकि थाना थानगांव इलाके में एक विवाहिता को कुछ गांव के लोगों ने ही, उसकी ही बिरादरी के लोगों ने हमला किया है, जिसको गंभीर अवस्था में पुलिस के द्वारा रेवसा सीएचसी पहुंचाया गया है, जहां पर डॉक्टर अनु पांडे के द्वारा उसका प्राथमिक इलाज जारी है। लेकिन बात करते हैं डॉक्टर अनु पांडे से, उसके हालात कैसे हैं, क्योंकि वो विवाहिता बोलने में असमर्थ है। वो लेडी जो एडमिट है, उसकी पूरा बदन अकड़ा हुआ है और जैसा उसके साथी लोगों ने बताया है कि उसके सर पर बहुत ज़्यादा चोट दी गई है और ऐसा लग भी रहा है, पूरी बॉडी अकड़ी हुई है। जब आई थी तब बेहोश थी और वो बोल पाने में असमर्थ है, कुछ भी बताने में असमर्थ है। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और उसको तुरंत ही अभी जिला चिकित्सालय में रेफर किया। अच्छा, ये यहाँ तक पहुँची कैसे? ये पुलिस की गाड़ी लेके आई थी। अच्छा, क्या थाना थानगांव की पुलिस लेके आई थी? अच्छा अच्छा, ये मामला किस गांव का है? जगदीशपुर खजरिया का मामला है। अच्छा, चोटें गंभीर हैं, हालत नाजुक है, ऊपर से नहीं लगता, लेकिन अंदरूनी चोट गंभीर है, जिसकी वजह से इसकी ऐसी स्थिति उत्पन्न। क्या हुआ? लड़का झगड़ा हुआ है और सबको रहा ही नहीं, अभी सबको लड़का झगड़ा हुआ, सबको आए घर पर मारे लगे उनका सबका। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि थाना थान गांव के इलाके में एक गांव में मायके आई एक विवाहिता को गांव के कुछ दबंगों ने बेरहमी से पीट दिया है, जिससे कि उसकी हालत बेहोशी हालत में रेवसा सीएचसी में उसको स्थानीय पुलिस के द्वारा लाया गया है गंभीर अवस्था में, जहां पर उसका प्राथमिक इलाज जारी है। और जो बताया जा रहा है कि विवाद वो बच्चों के खेल में हुआ था, जिसको लेकर के बुजुर्ग दूसरे पक्ष ने एक महिला पे गंभीर रूप से हमला किया है, जिससे कि उसकी हालत नाजुक हालत में रेवसा से चिल्लाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। लेकिन विवाद का कारण बताने से ये लोग नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन बच्चों का विवाद बता रहे हैं, असलियत बात उभर के नहीं आ पा रही है, लेकिन ये बच्चों के विवाद में ये विवाद हुआ है, जिससे कि इस महिला को पीटा गया है और दूसरे लोगों ने पीटा है, सतीश और टुन्नी ने, और घर भर मिल करके एक राय होकर के इसको पीटा है। और ये खानपुर में इसकी ससुराल है, गेंदा देवी इसका नाम है, और ये अपने मायके जगदीशपुर हजरिया आई हुई थी, जहां पर बच्चों के विवाद में इसको गाँव वालों ने एक ही
ब्रदरी के लोगों ने दूसरे पक्ष पे जो है गंभीर रूप से हमला किया है, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से, कि उसका इलाज प्राथमिक यहाँ चल रहा है रेवसा सेठी में। और ये मामला थाना थान गांव के ग्राम जगदीशपुर हजरिया का है। 4 जून 2019 की देर रात करीब 9-10 बजे का। क्या नाम है इनका? ज्ञानदा। की बिटिया है? चंद्रानी। और पति घर का नाम? इनके पति के। हाँ। का इनका का नाम? इनका ज्ञानदा नाम है, इनके पति का नाम छटकन है। छटकन। हाँ। कहाँ रहते हैं? इनकी ससुराल है खानपुर की। ये रहती कहाँ है? रहती इस समय मेरे घर सास मंदिर, उनका जाकर है तो जगदीशपुर में। अच्छा अच्छा, जगदीशपुर में। इनके ससुराल जो है कहाँ है? खानपुर। यू खानपुर हुआ मैया। अच्छा खानपुर मैया। हाँ। खानपुर मैया। अच्छा, ये अपने मायके में आई थी। अच्छा, मारा किसने है इनको? सतीश टन्नी। की लड़का है? टन्नी के लड़का है। सतीश के बाप का नाम टन्नी है। हाँ। और टन्नी खुद मारा? हाँ। किस बात को लेकर मारा? यूं हम जान नहीं सकी थी। नहीं, कोई पुरानी रंजिश? हम घर में नहीं रहे, लड़का कुछ गवा है। अच्छा, मारे नहीं है वो, हम घर में सबको रहने वही सबको घर पर रहे, हमारे घर में नहीं डराया और सास रहे बस। और हम घर में रहे तो हमारे लड़का रो रहा था, मैं मेरी जेठानी के उनके पास रहा। ये बताओ इनको मारा है, किसने मारा है? सर इन्हें बता पाएंगे कैसे मारा है? मुक्का मारा है। किसने मारा है? सतीश और टन्नी। सतीश किसके लड़के हैं? टन्नी के। किस गांव का मामला है ये? जगदीशपुर हजरिया। थाना कौन लगता है? ये आपकी कौन है? बहन। आपका क्या नाम है? पप्पू। इनकी ससुराल कहाँ है? ससुराल का नाम है खानपुर मैया। खानपुर मैया। तो ये अपने मायके में आई थी? यहाँ से सर भाई मायके में नहीं रहती। नहीं, खानपुर में मारा है कि यहाँ मारा? जगदीश। हाँ। तो जगदीशपुर तो मायका है ना? हाँ। मायका है। मायके में गांव वालों ने मारा है? हाँ। किस बात को लेकर मारा है? पता नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कैसे मारा।